अरे भाई साहब, दुपट्टे की दुकान कहाँ पर है? ये सामने ही। धन्यवाद। भाई साहब, मेरी बेटी के कपड़ों से मिलता जुलता कोई दुपट्टा दिखाइए। ये क्या सामने है? जो चाहे देख लीजिए। भाई साहब, कुछ और दिखाइए ना। रुकिए, ये कितने का है भाई साहब? 5 आना। हाँ हाँ, ये लीजिए। धन्यवाद। तारा देखो, दुपट्टा मिल। तारा, 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 भाई साहब आपने मेरी बेटी को देखा? यहां पर खड़ी हुई थी। तारा, 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 तारा! अहमदनगर में अंग्रेज अपनी सेना के लिए छावनी बनवा रहे हैं। सुना है कि उन्हें थोक व्यापारी की जरूरत है जो उन्हें सब्जियां पहुंचा सके। तुम लोग वहां जाकर किसी बड़े अधिकारी से मिल लो, शायद तुम्हें काम मिल जाए और मुनाफा भी अच्छा है। इसे क्या हुआ? चलो पूछते हैं। बेटा क्यों रो रही है? तेरा नाम क्या है बेटा? बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बेटी, तुम हमें बताओगी नहीं तो हम मदद कैसे करेंगे? कुछ तो बोलो बेटी। कहाँ रहती हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किस गांव की हो? मुझे लगता है ये व्यापार हमारे लिए सबसे सही रहेगा। चलो चलकर द्वारका माई में साईं की सलाह लेते हैं।
क्या हुआ? चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तारा! 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 कुछ तो बताओ। अपने पिताजी का नाम बताओ। तुम शांत हो जाओ, बताओ कौन हो तुम? आप लोग जानते हैं कहां से आई ये? कहां रहती हो तुम? शांत हो जाओ। रो रही हो? अच्छा हुआ साई आप आ गए। ये बच्ची कब से रोई जा रही है? नहीं अपना नाम बता रही है, नहीं घर का पता। मुझे तो लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गई है। अरे ये कुछ बताए तब तो पता चलेगा। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? भाई साहब आपने मेरी बेटी को देखा है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहां चली गई है वो। दिखने में कैसे है वो, कुछ होलिया बताएंगे तो ही हम बता पाएंगे। अगर आप उसे देख लेंगे ना तो भूल नहीं सकेंगे। वो इतनी प्यारी दिखती है जैसे परियों के देश से आई हो। उसका रंग दूध की तरह गोरा है और हिरनी जैसी इसकी चंचल आंखें, और बाल उसके काले घने मेघ की तरह लंबे हैं। वो ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। मैं उसके लिए बॉम्बे से लेकर आया था उसके, और वो हाथों में चूड़ी और पैरों में पायल पहने हैं। भाऊ तुम तो सच में किसी परी के बारे में बता रहे हो। अब है ही ऐसी मेरी बेटी तो बताना तो पड़ेगा ना। वो सिर्फ नाम की तारा नहीं है, मेरी आंखों का तारा भी है। माफ कीजिएगा, हमने नहीं देखा उसे। हे भगवान, आज चली गई मेरी बच्ची। सुनिए। हाँ? आप गांव के चौराहे पे क्यों नहीं देखते? वहां भीड़ जमा हुई है, वहां एक बच्ची रो रही है। हो सकता है वो आपकी ही बेटी हो। चौराहा कहाँ पर है? वो उस तरफ। हे भगवान, चुप तो हुई। ये लो। ले लो। Oh.
नाम है तुम्हारा? तारा। तारा, बहुत प्यारा नाम है। किसके साथ आई थी यहाँ? बाबा के साथ। तारा, सत्यानाश, मिठाई खा रही थी? मना किया था ना मिठाई खाने के लिए? दांत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे दांत। इतनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, क्यों उसे खराब करना चाहती हो? और तुम यहां क्या कर रही हो? यहां तुम कैसे आई? कहा था ना तुमसे कि मेरे साथ रहना, इधर उधर मत जाना, फिर क्यों मुझे छोड़कर चली आई? रुकिए, तारा पहले से ही डरी हुई है और आप उसे सजा दे रहे हैं? छोड़िए, कान छोड़िए उसका। बेटी है मेरी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और जिसे आप इसकी सजा मान रहे हैं उसमें मैं इसकी भलाई समझता हूं। इसके भले के लिए कर रहा हूं मैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, उल्लंघन नहीं। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में जो आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं? आपको पता है ये कितनी नाजुक है? बात बात पर तो ये बीमार पड़ जाती है, देखभाल तो हमें करनी पड़ती है ना? ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझते तो आपकी प्यारी बेटी खोती नहीं। गलती आपने की है और दंड तारा को देना चाहते हैं आप। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं लापरवाह हूं, मैं इसका ध्यान नहीं रखता हूं, फूल की तरह रखता हूं मैं मेरी बेटी को। देखिए इसे, इसके कपड़े देखिए, इसका श्रृंगार, इसके जेवर, इसके जूते देखिए आप, क्या कमी दिखाई देती है इसमें तुम्हें? रोज सुबह उठकर मैं इसके लिए उपटन तैयार करता हूं, हर वक्त इसे घर में रखता हूं ताकि मौसम का इस पर प्रभाव ना पड़े। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गैर जिम्मेदार हूं? मैं तो केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है और हर गलती की सजा दी जाए ये तो जरूरी नहीं। और फिर आप इतनी छोटी सी बात पर इस फूल जैसी बच्ची को सजा देना चाहते हैं? मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है, जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। ये फकीरों जैसे कपड़े पहन लिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा हैं और मुझे आपकी बात सुननी ही चाहिए। बड़े बदतमीज है आप, ये तरीका है किसी से बात करने का? आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं? मुझे ये जानने की इच्छा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई अगर मुझे सुनाएगा तो मैं चुप भी नहीं रहूंगा। देखिए आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं वरना हम भी। सात्या, केशव, शांत रहो तुम लोग भी। मैं तो मेरी बेटी से बात कर रहा था, बीच में आके बदतमीजी तो तुम लोगों ने की। हटो यहां से, चलो। Thank you.
ओहो, रोना बंद करो बेटा। अरे ये देखो, है ना सुंदर, ये तुम्हारे कपड़ों से बिल्कुल मेल भी खा रहा है। खूब सुंदर दिख रही है मेरी बेटी। और देखो बेटा, जो हुआ है ना उसे भूल जाओ, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराती हो ना तो बहुत सुंदर दिखती हो। मुस्कुराओ, तुम्हें सुंदर दिखना है, ठीक है? मेरी परी तो अभी छोटी है, तो क्या शादी के दो दिन पहले से चूल्हा चौके सिखाऊंगी? आजकल के लड़के गोरे चिट्टे लड़के से शादी करना चाहते हैं, और परी का रंग सांवला है, इसलिए उसका घूमना फिरना थोड़ा कम करो। शुभांगी, तुम उन औरतों की बातें सुनकर बेवजह परेशान मत हुआ। हमारी परी अभी बच्ची है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? और वैसे भी परी बहुत समझदार हो गई है, जब उसकी शादी की उम्र होगी तो वो खुद ही समझ जाएगी। गलत, लड़कियों का जन्म हुआ नहीं कि उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अरे विश्वास राव, तुम दादा खुश रहो। आप लोग अचानक खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल गुड़िया लग रही है, जैसे कि कोई राजकुमारी हो, किसी की नजर ना लगे तुझे। दादा आप बैठिए, थारा तुम भी बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। आत्या मैं भी आऊँ आपकी मदद करने? दादा जितनी प्यारी है ना उतनी समझदार भी है, खूब अच्छे संस्कार दिए मेरे दादा ने। आइए आइए बैठिए, वो सब छोड़िए विश्वास, ये बताइए कि अचानक कैसे आना हुआ, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश? हाँ दादा, और वहिनी को क्यों नहीं लाए? हमारी वहिनी की वजह से ही तो जल्दी जल्दी में आना पड़ा, उसके रिश्तेदार के घर पर शादी है और हमें वहां जाना है, इसीलिए तारा को तुम्हारे घर छोड़ने के लिए आ गया, क्योंकि शिरडी तो हमारे गांव से पास में ही है। क्यों, तारा को शादी में क्यों नहीं ले जा रहे हो? नजदीक होता तो ले भी जाता, शादी बॉम्बे में है, और तुम तो जानती हो शुभांगी कि तारा को लेकर यात्रा नहीं की जा सकती, घर से बाहर निकलते ही इसकी तबीयत खराब होने लगती है, और वैसे भी तारा को घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद है। और एक मेरी बेटी जिसके कदम घर पे टिकते ही नहीं। लेकिन परी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। कैसा अजीब आदमी था, उसकी खुद की बेटी है तारा, लेकिन उसके कपड़ों की उसके जेवरों की गुणगान तो ऐसे कर रहा था जैसे मानो उसकी बेटी नहीं कोई दिखावे की चीज हो। हाँ तात्या, कुछ माँ बाप होते हैं ऐसे, एक आध को तो मैं खुद जानता हूँ। लंदन में रहकर आया है लेकिन संस्कार को नहीं भूला है, आज भी धार्मिक ग्रंथों का इसे ज्ञान है, उनके श्लोक याद है। बेटा केशव इन्हें सुनाओ। वो प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो प्रशांतये। मुझे उस बच्ची की बहुत चिंता हो रही है, कितनी घुटन होती है जब अपना ही पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो जैसे बच्चे उसकी हाथ की कठपुतली हो।
अपना कोई अस्तित्व ही नहीं हो बच्चों का जैसे। अपने अरमानों का, अपनी आधी अधूरी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने का साधन समझते हैं, और जब बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वो उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो नालायक हैं, निकम्मे हैं। पिताजी की इसी आदत की वजह से मुझे दात्या के साथ कारोबार करने पे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। केशव, हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है, अपनी मंजिल खुद तलाश करनी होती है। वैसे तुम दोनों ने क्या सोचा है, कौन सा व्यवसाय करोगे? नगर में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के लिए छावनी बनवा रही है। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो वहां तक सब्जियां पहुंचा सके। काम तो मुनाफे वाला लग रहा है, लेकिन लेकिन क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम अंग्रेजी सेना की मदद नहीं कर रहे होंगे? पर सोच के देखो, वहां काम करने वाले लोग तो हमारे अपने ही हैं ना। फिर चाहे वो सेना में काम करने वाले सैनिक हों या बाकी लोग, सब अपने भाई बंधु ही तो हैं। मतलब आपके विचार से इसमें कोई बुराई नहीं है? अगर तुम सोचते हो कि खाना खिलाना केवल काम है तो गलत सोचते हो तुम। किसी को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना बहुत पुण्य भी देता है। शुक्रिया साई, अब आपने कह दिया है तो हम यही करेंगे। हम जल्दी से नगर जाकर ये पता करेंगे कि छावनी में रसोई विभाग का काम किसके पास है। उससे मिलकर हम सौदा तय करेंगे। फिर हम खेतों में जाकर किसानों से थोक भाव में सब्जियां खरीदेंगे और छावनी में बेचेंगे। शुरुआत करने के लिए बस थोड़ी सी पूंजी की जरूरत होगी। शुक्र है मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। पूंजी? लेकिन मैं कहां से पैसे लाऊंगा? मेरा तो खुद के खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जब मंजिल पता हो तो रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। श्रद्धा, सबूरी।